सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक अग्रवाल, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम CMHTH कोलकाता। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग आपका जस्ट रिसेंट कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, उसका आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, आपके जो नीट 2023 के लिए हर एक राउंड्स के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, हर एक कैटेगरी वाइज, ये सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तब आपको एक अच्छे से बेटर एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग को किस राउंड में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके कौन से राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो सब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आपका इस बार ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए इस बार आपका नीट 2023 के कितने कट ऑफ हो सकते हैं फॉर दी एवरी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ईयर्स के जो पहले के जो नीट हो चुके लास्ट 3 ईयर्स का, उनका डाटा कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा कि इस बार आपके आपके लिए कौन से कैटेगरी का कितने कट ऑफ होने के चांसेस है, एक्सपेक्टेशन कट ऑफ के कितने हो सकते हैं इस बार। ठीक है गाइस, तो मैं आपके साथ यहाँ पे नीट 2020, नीट 2021 और नीट 2022 का कट ऑफ कंपेयर करके आपको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो नीट 2020 में आपका यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था एकदम लास्ट जो एडमिशन था, जो लास्ट राउंड में जो आपका एडमिशन हुआ था, वो हुआ था आपके 15,038 रैंक में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस रैंक में आपके मार्क्स थी 611 मार्क्स। मतलब कि नीट 2022 में आपके 611 मार्क्स और 15,038 रैंक के बाद आपके किसी भी यूआर कैंडिडेट का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये इसका मतलब था। फिर यहीं पे अगर आप देखो OBC कैंडिडेट्स जो है उसका आपका नीट 2020 में आपका क्या था कि लास्ट एडमिशन हुआ था 15,040 रैंक पे, और उसके लिए भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो थे वो थे 611 मार्क्स। EWS कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ था 2020 में ऑल इंडिया कोटा के लिए, वो था कट ऑफ था आपका 14,289 ऑल इंडिया रैंक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे उसमें थे 613 मार्क्स था। वहीं अगर आप SC कैंडिडेट का अगर देखो तो SC कैंडिडेट्स के लिए 2020 में जो मार्क्स था वो था 81,121 मार्क्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके लिए मार्क्स थे वो थे 507 मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक थी 81,121 फॉर द SC कैंडिडेट। वहीं अगर आप ST कैंडिडेट के लिए देखो तो जो कट ऑफ था वो था 96,759 ऑल इंडिया रैंक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 488। तो ये थे आपके जो लास्ट जो मार्क्स एंड रैंक जिसमें एडमिशन हुआ था आपका 2020 के ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ठीक है, तो वहीं आप देखो 2021 और 2022 में क्या हुआ था। 2021 में जो आपका काउंसलिंग हुआ था ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उसमें आपके राउंड्स थोड़े बढ़ा दिए गए थे, 5 राउंड का एडमिशन हुआ था, 5 राउंड्स का एडमिशन हुआ था। तो उसमें आपका क्या था, आपका जो लास्ट एडमिशन हुआ था यूआर कैटेगरी का वो हुआ था आपका 21,227 AIR में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 596 मार्क्स। वहीं अगर आप OBC को देखो, OBC कैटेगरी का जो था कट ऑफ वो था 21,188 रैंक, और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 596। EWS कैटेगरी का अगर आप देखते हो तो कट ऑफ थे 21,238 ऑल इंडिया रैंक, और आपका कट ऑफ मार्क्स थे 595 मार्क्स। SC कैटेगरी का आप देखो तो वो था आपका जो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ थी वो थी आपकी 109,310 AIR, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 473 मार्क्स। वहीं ST कैटेगरी अगर आप देखो तो वो था आपके 130,823 ऑल इंडिया रैंक, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 452 मार्क्स थे। तो ये आपका जो कट ऑफ था वो था आपका नीट 2021 का आपका ऑल इंडिया कट ऑफ था। तो देखो अब हम देखते हैं नीट 2022 में क्या कट ऑफ था। नीट 2022 में आपका कट ऑफ था यूआर कैटेगरी के लिए वो आपका था 22,706 AIR, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग था 596 मार्क्स। वहीं अगर आप OBC का देखो तो वो आपके कट ऑफ था 22,721 आपके रैंक थी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो थे 596 थे। EWS कैटेगरी आप देखो तो 23,501 AIR और 595 मार्क्स। SC कैटेगरी का आप देखो तो 122,444 रैंक, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 454 मार्क्स। और अगर आप यहाँ पे ST कैटेगरी देखो तो ST कैटेगरी के लिए जो आपका रैंक थी वो आपके रैंक थी 153,436 रैंक, और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 423 मार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कंपेयर करके बताया कि नीट 2020, 2021 और 22 में आपका क्या ट्रेंड था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन में आपके नीट 2023 में क्या आपका कट ऑफ हो सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए।
एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आपने नीट 2022 में आपका हर एक राउंड का क्या कट ऑफ था, और यही सेम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नीट 2023 के लिए। हर एक राउंड का हर एक कैटेगरी वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि उस आपको एकदम बेटर से बेटर आइडिया मिल सके। जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो आपको एक आइडिया रहे कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका कितना कट ऑफ रहना चाहिए फॉर डिफरेंट राउंड, आपके कितने राउंड में हर एक राउंड में क्या कट ऑफ रह सकते हैं, और आपको कौन से राउंड में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए आपके नीट 2022 के कट ऑफ में आपके 4 राउंड तक एडमिशन हुआ था लगभग, और उसमें आपका हर एक कैटेगरी का देखो, जो कि राउंड वन में आपका जो यूअर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था आपका 17,401 रैंक, और आपकी जो मार्क्स है 608। वहीं आप ओबीसी कैंडिडेट्स को देखो तो उनके लिए था AIR 18,034 में क्लोजिंग था और 606 मार्क्स। EWS कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ था 18,989 रैंक एंड 605 मार्क्स। SC कैंडिडेट्स के लिए ये था 89,842 ऑल इंडिया रैंक और करिस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 492 मार्क्स। ST कैटेगरी के लिए आपका ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ था 1,23,071 ऑल इंडिया रैंक एंड कट ऑफ मार्क्स फिर 453 मार्क्स। फिर आप राउंड टू के लिए देखो तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए आपके कट ऑफ था 20,004 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हुआ था, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी मार्क्स हो जाते 602 मार्क्स तक हुआ था। ओबीसी के लिए देखो तो आप 20,369 कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 601। EWS कैंडिडेट्स का अगर आप देखो तो 21,553 ऑल इंडिया रैंक कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 598 मार्क्स। SC कैटेगरी का अगर आप देखो राउंड टू के लिए तो वो था आपके 1,03,776 ऑल इंडिया रैंक और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 475। ST कैटेगरी का राउंड टू का कट ऑफ था 1,31,964 एंड मार्क्स फिर 444 मार्क्स। वहीं हम लोग अब आपके साथ राउंड थ्री में अगर मैं देखूं तो राउंड थ्री में आपका कट ऑफ था, योर कैंडिडेट्स का कट ऑफ था 22,237 ऑल इंडिया रैंक और कट ऑफ मार्क्स थे 597। OBC के लिए था 22,338 ऑल इंडिया रैंक एंड कट ऑफ मार्क्स 597। EWS कैटेगरी के लिए था 23,202 ऑल इंडिया रैंक और कट ऑफ मार्क्स 595। SC कैटेगरी के लिए था 1,19,793 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ थी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 457। वहीं आप अगर देखो ST कैंडिडेट्स के तो ST के लिए था ये आपका कट ऑफ रैंक थी 1,51,846 ऑल इंडिया रैंक और आपके कट ऑफ मार्क्स थे 424 फॉर दी ST कैटेगरी। तो ये था मैंने आपके साथ डिस्कस किया राउंड थ्री के लिए। अब राउंड फोर का हम लोग देखते हैं, तो राउंड फोर का मैं यहाँ पे साथ आपके साथ देखूँ तो यहाँ पे आपका यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ था 22,706 ऑल इंडिया रैंक और आपके जो मार्क्स थे 596 मार्क्स थे। ओबीसी के लिए था ये आपका 22,721 ऑल इंडिया रैंक और आपके मार्क्स थे 596। EWS वाले के लिए आपका कट ऑफ रैंक था 23,501 और मार्क्स थे 595। वहीं SC कैटेगरी वालों के लिए ये आपका जो कट ऑफ था वो था आपके 1,22,444 ऑल इंडिया रैंक और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स जो थे वो थे 454 मार्क्स। ST कैटेगरी वालों के लिए वो था 1,53,436 ऑल इंडिया रैंक और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 423 मार्क्स। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया 2022 में आपका क्या कट ऑफ था हर एक कैटेगरी का फॉर द वेरियस राउंड्स। अब मैं आपके साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ मैं आपको बताऊंगा नीट 2023 का क्या हो सकता है हर एक राउंड के अकॉर्डिंग, हर एक कैटेगरी के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के कट ऑफ के होने के। सो देखते हैं, तो ये आपके पास नीट 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है फॉर द वेरियस राउंड्स के लिए और वेरियस कैटेगरीज के लिए। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं अच्छे से कि आपका जो हो सकता है राउंड वन के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए। राउंड वन का जो आपका कट ऑफ हो सकता है यूअर कैंडिडेट के लिए हो सकता है 19,000 रैंक तक आपकी जा सकती है यूअर कैंडिडेट का कट ऑफ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होनी चाहिए वो हो सकते हैं 619 मार्क्स तक हो सकता है यूअर कैंडिडेट का कट ऑफ सकते हैं 19,000 रैंक राउंड वन के लिए। अभी आपका राउंड वन स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपके कट ऑफ ये वाले हो सकते हैं
ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हो तो उसके लिए आपके कट ऑफ जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए 19,500 रैंक, कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं 618 मार्क्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कट ऑफ जा सकते हैं 20,000 रैंक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके मार्क्स होने चाहिए कट ऑफ, वो होने चाहिए 616 मार्क्स। अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए राउंड वन के लिए वो इस साल हो सकता है 95,000, ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होने चाहिए इस बार वो हो सकते हैं 514 मार्क्स तक। वहीं अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपका जो इस बार कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है आपका ऑल इंडिया रैंक 1,30,000 तक आपके जा सकते हैं राउंड वन में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 479 मार्क्स के अप्रॉक्स होने चाहिए आपके, अगर आपको राउंड वन में एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपको आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको एडमिशन लेना है किसी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आपका राउंड टू में क्या कट ऑफ हो सकते हैं। तो राउंड टू में आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि आपका यूअर कैंडिडेट से कट ऑफ जा सकता है 19,000 से आपके कट ऑफ जा सकता है कि 21,000 तक आपके कट ऑफ जाए। 21,000 में आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 615 मार्क्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ जा सकता है 21,500, 21.5 के आपके कट ऑफ रैंक हो सकती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 613 मार्क्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ हो सकता है 22,500 ऑल इंडिया रैंक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 611 मार्क्स। अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड द कट ऑफ मार्क्स कुड बी 494 मार्क्स। अगर आप एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक हो सकती है आपका 1,50,000 ए आई आर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स होना चाहिए 461 मार्क्स। तो ये आपके कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं राउंड टू के ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राउंड थ्री के लिए आपका क्या होना चाहिए। राउंड थ्री के यूअर कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ जा सकता है 23,000 रैंक तक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स हो सकते हैं 610 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ जा सकता है 23,500, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स हो सकते हैं 610 मार्क्स। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स सॉरी आपके रैंक हो सकते हैं 24,000 ऑल इंडिया रैंक, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए 609 मार्क्स। और अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एस सी कैटेगरी के लिए आपका मार्क्स कट ऑफ हो सकता रैंक कट ऑफ हो सकता है आपका 1,30,000 ए आई आर, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स होने चाहिए 479। एस टी कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ हो सकता है 1,60,000 रैंक, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 453 मार्क्स। लास्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट आपका राउंड फोर तक अगर आपका जाता है काउंसलिंग तो उसमें आपका क्या होना चाहिए। आपका कट ऑफ जनरली आपका राउंड टू और थ्री के बाद ज़्यादा कुछ खास डिक्रीज होता नहीं है। राउंड थ्री के बाद तो मॉपअप राउंड के बाद ज़्यादा कुछ खास डिक्रीज होता नहीं है। राउंड थ्री में आपको बोलना चाहूँगा, राउंड थ्री जो है आपका मॉपअप राउंड है, और राउंड फोर जो है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। ठीक है, तो राउंड फोर में आपका जो यूअर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है आपका 24,000 रैंक तक जाए इस बार, और आपके जो उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स होना चाहिए वो होने चाहिए 609 मार्क्स। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी का देखो तो आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके कट ऑफ हो सकते हैं 25,000 रैंक तक, कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं 607 मार्क्स तक जाए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कट ऑफ रैंक हो सकती है इस बार 25,500 रैंक, कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं 606 मार्क्स। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए इस बार कट ऑफ रैंक हो सकती है ऑल इंडिया रैंक 1,40,000, और उस रैंक के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो होने चाहिए 470 मार्क्स के आसपास। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एसटी कैटेगरी वालों के लिए आपका जो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ हो सकती है इस बार के लिए वो हो सकती है 1,70,000 के आसपास इस बार आपकी रैंक हो सकती है, और वहीं आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो होने चाहिए आपके 445 मार्क्स तक आपके पास होने चाहिए। अगर आपको एसटी कैटेगरी से आपको राउंड फोर तक आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पूरे थ्रू इंडिया आपको अगर आपको एडमिशन लेना है तो। सो गाइस, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो भी आपका इस बार आपके नीट 2023 के आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए फॉर द वेरियस राउंड्स फॉर द वेरियस कैटेगरी, सब कुछ मैंने आपके साथ बहुत यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया। ऐसे अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ
मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आपका ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आप उसको इस पीडीएफ को एक यूज़ कर सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। आपको प्रेडिक्ट करने में कि आपको कौन से राउंड में कौन से कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप आइडिया लगा हो कि कितने आपके कट ऑफ रह सकते हैं इस बार, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, जो जो भी इस बार आपके काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीट की ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि उनको एक आइडिया लगे उनके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग उनको कौन से राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइस एक बार मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ जो भी कंपैरिजन था, चाहो तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कंपैरिजन का, नीट 2020 वर्सेस 2021 वर्सेस 2022 का। नेक्स्ट इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देता हूँ, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नीट 2022 में क्या कट ऑफ था फॉर दी वेरियस राउंड, हर एक कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ था। नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम आपको ये हेल्प हो सके कि आपके हर एक राउंड के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन ये मेरे अकॉर्डिंग है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके आसपास ही आपके मार्क्स रहने चाहिए, बट फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ कि टू बी ऑन द सेफर साइड, आप हर एक कैटेगरी के हर एक मार्क्स में आप एक प्लस, कलर चेंज कर लेता हूँ, हर एक कैटेगरी के हर एक मार्क्स में आप एक प्लस से माइनस 5 मार्क्स का रेंज लेकर चले, तो आप एक सेफर जोन में रहोगे। बट फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा कट ऑफ इसके इससे ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। सो गाइस आज की इस वीडियो को इतना ही था, हम लोग चलो वाइंड अप करते हैं। गाइस अगर आप लोग वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि स्टेट का आपका स्टेट काउंसिलिंग का कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो आप लोग वो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप एम्स कॉलेजेस जो है इंडिया में उसका कट ऑफ जानना चाहते हो, तो वो आप लोग राइट वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हो। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बीच वाले बटन को दबा के। तब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।